हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों का पेपर सेकंड का मीन मीडियन मोड का टॉपिक। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं ये टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इसको एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ नया टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करें। जैसे कि आपको पता है कि आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मीन मीडियन और मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो आइए देखें माध्यिका क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे माध्यिका यानी कि मीडियन के बारे में। दोस्तों, अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में कहें, बहुत ही आसान शब्दों में कहें, तो माध्यिका वह संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है। यह ऐसी संख्या है जो समूह के सबसे बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है। ऑब्वियसली अगर कोई हमें संख्या दी होगी और उसमें हमें बीच की संख्या निकालनी होगी, तो उसके जो पहले और उसके लास्ट की जितनी भी संख्याएं होगी वो उसको बिल्कुल बराबर भागों में अलग करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल बीच की संख्या है। इसलिए तो यहाँ पर इसे दी गई संख्याओं का माध्यम भाग भी कहा जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर माध्यिका कैसे निकालते हैं और माध्यिका क्या होती है। अभी अब तक हमने समझा है कि शब्दों में माध्यिका क्या होती है, लेकिन अब समझेंगे प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, हमें कुछ संख्या दी गई है, कुछ संख्याओं का समूह दिया गया है जो इस प्रकार है। हमें ये संख्या दी गई है, लेकिन हमें इस संख्या को क्या करना है, इनक्रीज या फिर डिक्रीज में इसको ऑर्डर में लिखना है। तो हमने क्या किया है, इसको इनक्रीज ऑर्डर में लिख लिया है। इस इनक्रीज ऑर्डर में लिखने के बाद जो हमें बीच की संख्या दिख रही है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, फोर्थ दिख रहा है बीच की संख्या, तो इसी को माध्यिका कहते हैं। यानी कि जो फोर है यही माध्यिका है इन संख्याओं का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ छोटी संख्याओं का समूह दिया गया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा संख्या दी जाएंगी तो उसके लिए आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आपको अगर ज़्यादा संख्या दे दी जाए तो आप कैसे माध्यिका यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि माध्यिका इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू का टर्म जो होता है वही माध्यिका होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल दिया गया है हमें, ये कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ये संख्याओं का योग है, लेकिन हमने क्या किया है, इसको इंक्रीज ऑर्डर में लिख लिया है। अब लिखने के बाद हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो फॉर्मूले पर हम इन संख्याओं को रखेंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो दिया गया है वो इस प्रकार है। इस फॉर्मूले पर हमने क्या किया है, जो एन नंबर है, एन का मतलब होता है इन अवलोकनों की संख्या जो होती है, यानी कि कितनी संख्या है यहाँ पर इन समूह का। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमें यहाँ पर 7 संख्या दी गई है, तो एन जो है यही एक संख्या है। हमने क्या किया है, फॉर्मूले पर 7 + 1, अब यहाँ पर 1 कहाँ से आया, तो हमें फॉर्मूले में दिया गया है 1, हमें 1 जोड़ना है, तो हमने यहाँ पर 1 जोड़ दिया है और क्या किया है, 2 से भाग दे दिया है। देख रहे हैं यहाँ पर 7 + 1/2 को हमने क्या किया है, 7 + 1 को 8 और 2 से भाग दे दिया है, तो हमारा निकल कर आया है 4th। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें इन संख्याओं में, तो कहीं बीच की संख्या में 4th नहीं दिख रहा है, और आप कह रही हैं कि माध्यिका बीच की संख्या होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 4th टर्म निकल कर आया है, यानी कि इन संख्याओं का जो 4th नंबर पे टर्म होगा वही हमारी माध्यिका होगी, 4th हमारा माध्यिका नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 2 3 4, तो हमारा 4th नंबर पर आ रहा है 6 संख्या हमारी जो होगी वही हो जाएगी माध्यिका। दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहां पर देख पा रहे हैं माध्यिका इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं ये जो प्रोसेस है इसकी कैसे होती है। जो आपने अब तक प्रैक्टिकली देखा है फॉर्मूले के तौर पे, वही इसकी प्रक्रिया है। आपको सिर्फ इसी को शब्दों में लिख देनी है। आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है, हमें इस प्रक्रिया में सबसे पहले संख्या के पूरे समूह को बढ़ते या फिर घटते क्रम में लिखना होता है। ऐसा करने के बाद जितनी भी संख्या होती है उनको गिनकर उसमें +1 जोड़कर 2 से भाग करने पर हमें जो टर्म प्राप्त होता है, फिर हम देखते हैं कि जो टर्म हमें प्राप्त हुआ है वह संख्या के किस नंबर पर, जो भी संख्या हमें उस टर्म के स्थान पर दिखती है वही हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। दोस्तों, ये थी माध्यिका। आई होप आपको बहुत ही आसान भाषा में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा निकालना। तो अब देखेंगे माध्य क्या होता है, यानी कि मीन क्या होता है।
माध्य दी गई संख्याओं के औसत के समान है। यह एक संख्याओं के समूह में से एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। हम मान लेते हैं कि हमें एक निश्चित संख्याओं का समूह दे रखा है और हमें क्या करना है, उसका माध्य निकालना है। तो हमें सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ लेना है और जितनी संख्या हमें दी गई हैं उन संख्याओं से हमें क्या करना है, भाग दे देना है और हमें क्या मिल जाएगी, माध्य। माध्य हमें वहां से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम सूत्र के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पर सूत्र दिया गया है माध्य का, तो सूत्र कुछ इस प्रकार है। माध्य बराबर क्या होता है, अवलोकनों का योग और अवलोकनों की संख्या। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये हमारी संख्या का समूह दिया गया है। इन संख्या को हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे। देखो हमने सबको यहाँ पर जोड़ लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें डिक्रीज या इंक्रीज ऑर्डर में नहीं लिखना है। जैसे ही हमको संख्या दी गई है सिर्फ उसी प्रकार से हम संख्याओं को जोड़ कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या है वो 42 आ गई है, और 42 संख्या आने पर हमने क्या किया है, इसको 7 से डिवाइड किया है। हमने यहाँ पर 7 से इसको क्यों डिवाइड किया है, तो दोस्तों देखिए जो हमारी संख्या है, कितनी संख्या है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर 7 से इन सभी संख्याओं के योग को डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिला है, 6 मिल गया है, यानी कि इस जो संख्याओं का माध्य है वो 6 होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा 6 निकल कर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर बहुलक क्या होता है, यानी कि मोड क्या होता है। तो दी गई संख्याओं में बहुलक एक ऐसी विशेष प्रकार की संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार आती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अवलोकनों के समूह में जिस संख्या की आवृत्ति कई बार हुई हो, अधिक बार हुई हो, उसी को हम बहुलक कहते हैं। यानी कि हमें कोई संख्याओं का योग दिया है या फिर कोई भी चीज़ दी हुई है, उसमें अगर हम एक चीज़ को कई बार देखेंगे, कई बार उसकी आवृत्ति हो उसमें, तो उसी को हम बहुलक कह देते हैं। यहाँ पर देखिए यह संख्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे हमें विभिन्न उत्तर मिल सकते हैं। यानी कि एग्जैक्ट हमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही उत्तर मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी संख्या समूह में एक से ज़्यादा बहुलक भी देखने को मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर आपको एक संख्याओं का समूह दिया गया है। इन संख्याओं में आपको देखना है कि बहुलक क्या है, यहाँ पर बहुलक वाली कौन सी संख्या है। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 11 की जो संख्या है ये हमें 1 से 3 बार हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पर कोई संख्या की आवृत्ति नहीं हुई है। इन संख्याओं में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 11 की आवृत्ति बार बार हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का बहुलक क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि इन संख्याओं में हमें सबसे अधिक बार 11 देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ आ गया होगा। हमने आपको सिर्फ उतना ही बताया है जितना आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों आप अगर इतना भी लिख देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर बढ़ा चढ़ा के लिखना है आपको तो वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, हमें उसके बताने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ उतना ही आपको बताना है जितना आपको समझ आए, और आप उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से, अगर लॉन्ग में आपका आंसर आता है तो आप उसको लिख पाएं। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।